नमस्कार। तो मेरी और आपकी घड़ी में बजने वाले हैं शाम के 5 और हम वही सवाल पूछेंगे जो कि रोजाना पूछते हैं, क्योंकि पूछता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड आज पूछ रहा है कि जब से कोरोना के इस नए वायरस की बातचीत शुरू हुई है, जब से ये आया है ये नया वायरस, तब से दुख, दर्द, पीड़ा, दुविधा, इन सभी की वो तस्वीरें एक बार फिर हमारे सामने हैं जो हमने इस साल के बीच में झेला, मई, जून, जुलाई में झेला और बीते वर्ष हमने झेला। तो क्या वो तस्वीरें हम भूल चुके हैं? इसका जवाब मैं भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बिल्कुल नहीं। उस दुख, दर्द, पीड़ा, दुविधा की तस्वीरें आज भी मेरे आपके जहन के सामने हैं और देवभूमि भी इससे अछूती नहीं रही। उत्तराखंड में भी कितने ही लोग संक्रमित हुए, कितने ही लोगों की कोरोना से मौत हो गई, कितने ही लोगों के घर में चिराग बुझ गए, कितनी ही औरतें विधवा हो गईं, कितने ही बच्चे यतीम हो गए, कितने ही पिताओं ने अपने बेटे खो दिए, कितने ही घर खत्म हो गए। एक व्यक्ति की मौत ना होकर कितने घरों को उजाड़ने का काम किया इस कोरोना ने। लेकिन कोरोना के साथ जंग बहुत भीषण रही, हर दौर की लड़ाई रही, हम लड़े और आज तक लड़ रहे हैं। पहले दौर में भीषण लड़ाई, भीषण जंग को हमने लड़ा, दूसरा दौर भी बड़ा खतरनाक था, हमने लड़ाई लड़ी। और अब जब हमारे डॉक्टर, जो कि दरअसल सेनापति की भूमिका में हैं, जो कि दरअसल इस युद्ध को कमांड कर रहे हैं, वो चेता रहे हैं कि प्रजा को सावधान होने की जरूरत है, प्रजा को अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना के परिवार का एक और सदस्य ओमिक्रॉन अब मैदान में आने वाला है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आम लोग होंगे। तो ऐसे में जब एक बार फिर देश में कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है, 750 के लगभग केसेस हमारे और आपके सामने हैं, उत्तराखंड देवभूमि भी से अछूती नहीं। और ऐसे में ये देवभूमि का दुर्भाग्य है कि चुनाव सर पर है और चुनाव में बाजी मारने के लिए नेता बिल्कुल भी रुकने को, टिकने को, थमने को, ठहर जाने को राजी नहीं। एक तरफ हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स लगातार चिता रहे हैं, दे आर मेकिंग अस अवेयर कि ओमिक्रॉन आ रहा है, ये नया वायरस है, बहुत तेजी से फैलता है, संभलने की जरूरत है। हम लड़ाई लीड कर रहे हैं, हम नेतृत्व कर रहे हैं इस लड़ाई का, लेकिन आपको भी समझदारी की आवश्यकता है। जनता समझदार बने तो तब बने जब नेता चुनावी लीड ले रहे हैं, नेता चुनावी नेतृत्व कर रहे हैं, रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, भीड़ को बुला रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं और ये तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। तो रैलियां सदाबहार, कोरोना रहता रैली पार, या आज पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूं, आप पूछ रहे हैं और पूछ रहा है उत्तराखंड कि आखिर रैलियों में कोरोना को नो एंट्री कौन दे रहा है। और ये जो सभी लोग हमारे सामने हमको दिखते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल नाम की कौन सी वो चिड़िया है जो इनको पता ही नहीं कि वो कौन सा पक्षी है जिसका नाम कोरोना कोविड गाइडलाइंस होता है। उस कोविड गाइडलाइंस को बनाने वाले, उसकी धज्जियां तोड़ने वाले आपकी टीवी स्क्रीन पर रोज आते हैं, सुबह आते हैं, शाम आते हैं, दोपहर आते हैं, हर पहर आते हैं, हर डगर आते हैं। और जनता जनार्दन सुबह ताली बजाती है, दोपहर में ताली बजाती है, रात में ताली बजाती है, हमारे सरकार आए हैं। तो ऐसे सरकारों को यह सरकार मुबारक। लेकिन उससे पहले आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर रैलियों में कोरोना नहीं आता लेकिन रात में आता है, क्योंकि उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो नाइट कर्फ्यू का दरअसल मकसद क्या है? रात में कोरोना को भगाना है और दिन में कोरोना को बुलाना है। क्या यही मकसद है? क्या यही दो चेहरे हैं? इसी को लेकर आज दमदार बहस करेंगे, एक दमदार पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन तस्वीरें उससे पहले आपको दिखाएंगे एक बार फिर से कि आप तस्वीरों को देख के मूल्यांकन करिए कि ये क्या कुछ कहती है।
तो तस्वीरों को दिखा दिया है और आपके जहन में ये तस्वीरें रहनी चाहिए अगले एक घंटे तक के लिए कि आपके नेता क्या कुछ कहते हैं, उसको सुनिएगा और इन तस्वीरों को विजुलाइज कीजिएगा, अपने दिमाग में चलाइएगा और नेता की बात को कान से सुनिए और दिमाग में ये तस्वीरें रहनी चाहिए। हमारे साथ तीनों मेहमान हमारे तीन खिड़कियों में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संगीता शर्मा जी प्रवक्ता हैं आप आम आदमी पार्टी से, सीमा डोरा जी प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से, अमरजीत सिंह जी आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूछता है उत्तराखंड में। सबसे पहले अमरजीत सिंह जी, राहुल गांधी जी की रैली, उसमें कहा गया कि हरीश रावत जी की तस्वीरें हटा दी, देवेंद्र यादव ने हटा दी, विवाद बना, नाराजगी हुई, मान मनोवल हुआ, सब कुछ ठीक है। ओमिक्रॉन के केसेस का अंदाजा है कितने हो गए हैं? नहीं, जाहिर बात है पूरे देश में आज ओमिक्रॉन मुंह फैलाए खड़ा है। लगभग मुझे लगता है 600-650 केस अब तक आ चुके हैं। तो इसके लिए क्या विपक्ष जिम्मेदार है या सरकार की कोई जिम्मेदारी है? ठीक है, वो राज्य मतलब की हो या केंद्र की? नहीं, मतलब नहीं, हकीकत है, आप बताइए ना। आपका जो सवाल ये है कि क्या इसके लिए, आप अगर बात सवाल विपक्ष से करते हैं तो इसकी रोकथाम के लिए, इसके बाकी कामों के लिए क्या विपक्ष जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है, वो केंद्र की हो या राज्य की हो? ठीक है, सीमा डोरा जी, सीमा डोरा जी एक एक रिमार्क लूंगा फिर बहस को खोलेंगे। सीमा डोरा जी, अमरजीत सिंह जी कह रहे हैं कि हमारी रैलियों में भीड़ हो रही है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, इनकी रैलियों में भीड़ क्यों होने दे रहे हैं? आप जिम्मेदार हैं इनकी रैलियों में भीड़ होने की, आप जिम्मेदार हैं आपकी रैलियों में भीड़ होने की? तो सबसे पहले तो अमरजीत सिंह जी कह रहे हैं कि हमारी रैलियों में भीड़ आती रहेगी, ये सरकार का रोकने का काम है, सरकार का कंटेन करने का काम है। आप क्यों नहीं कंटेन कर रही हैं अमरजीत सिंह जी की, कांग्रेस की रैलियों में भीड़ कैसे आ रही है? कोई नियम सरकार बनाएगी कि विपक्ष बनाएगा? बिल्कुल कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती नेताओं की, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती नेताओं की। नेता लोहे के बने होते हैं, नेता लोहा। आप क्या चाहते हैं सरकार और मोदी जी सर आके यहाँ पे रैलियां करते रहे और विपक्ष जो है घर बैठ जाए? क्या चाहते? सवाल करने जा रहा हूँ, एक एक करके सबसे सवाल करूंगा, लेकिन अमरजीत सिंह जी आपका नैतिक पहलू टटोल रहा था कि नैतिकता नाम की कोई चीज है कि नहीं है। आपने कहा जब तक बीजेपी रैली नहीं बंद करेगी, जब तक सरकार रैली नहीं बंद करेगी, हमसे क्यों सवाल करते हो? नहीं, हम नहीं, ये सरकार ने तय करना है कितने केसेस आ रहे हैं, उसके लिए क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये विपक्ष नहीं तय करता, ये सरकार हो केंद्र सरकार हो वो तय करते हैं। ठीक है, ओमिक्रॉन के केसेस कितने आ रहे हैं ये तो विपक्ष को पता है ना, कांग्रेस को पता है ये? मैं बता रहा हूँ, 600-650 केस अब तक पूरे देश में। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जान क्या सस्ती है क्या, जो आप रैलियों में उनको बुलाते हैं, न्योता देते हैं, आपको नहीं पता कि खतरा है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मोदी जी कहने आएंगे? नहीं नहीं, तो आप क्या चाह रहे हैं, विपक्ष घर बैठ जाए, मोदी जी रैलियां करें, केंद्र सरकार रैली करे, राज्य सरकार रैली करे और विपक्ष जो है चुनावी वक्त में घर बैठ जाए? यदि इनको इतनी ही चिंता थी, हाँ, मैं आपकी बात बिल्कुल, चुनाव जीतना बहुत जरूरी है अमरजीत सिंह जी, 400-500 अगर कार्यकर्ताओं की ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण होने से जान जाती भी है तो ठीक है, लेकिन क्या विपक्ष घर बैठ जाएगा, क्या कांग्रेस हार मान लेगी? नहीं, मैं यह सवाल हार जीतना नहीं है, सवाल ये है कि एक आदमी की भी जान जाती है तो हमें दुख होगा, ये काम नहीं होना चाहिए। अगर सरकार को इतनी ही चिंता थी कोरोना को लेकर के तो सरकार चुनाव को स्थगित करने की आज बात कर रही है, तो ये काम तो ये 2 महीने पहले भी करा सकते थे जब माहौल था, अमरजीत सिंह जी, जब कोरोना नहीं था। अमरजीत सिंह जी, सरकार कुछ भी सोच नहीं रही है, कुछ भी समझ नहीं रही है सरकार, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। क्या सरकार रैलियां कर रही है, ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, सरकार को सिर्फ जीतना है? लेकिन आप तो बहुत नैतिक व्यक्ति हैं, आपकी पार्टी तो बहुत नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जान जोखिम में है और प्रधानमंत्री नहीं लगा रहे हैं उसके लिए रोक, आप नहीं लगाएंगे? सरकार नियम लाए ना, नए नियम लाए, लागू करे नए नियम, ठीक है, सरकार नियम नहीं लाएगी, कोरोना के केसेस बढ़ते रहेंगे और आप इसी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जान को जोखिम में डालते रहेंगे? आप डबल स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं, आप दोनों ही बातें कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सरकार कुछ ना करे और विपक्ष घर बैठ जाए? मैं कह रहा हूं सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं ये सरकार से सवाल करूंगा, अभी बीजेपी के जो बैठे हुए हैं बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है सीमा डोरा जी, उनसे सवाल करूंगा, जब आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाएंगे तब आपसे भी सवाल कर लूंगा यही वाला, लेकिन अभी फिलहाल उनसे करूंगा बीजेपी का सवाल। आपसे कांग्रेस का सवाल है, बीजेपी जो कि सत्ता में है, उत्तराखंड सरकार में है, वो कोई पाबंदी नहीं लगा रही, वो अहंकार में है, त्रस्त है, जीतना चाहती है, बस एक लक्ष्य है उसका, लेकिन कांग्रेस नैतिकता का जो पाठ पढ़ा रही है,
आप इंतजार में हैं कि जब तक मोदी जी अपनी रैलियां करेंगे हम नहीं मानने वाले, हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता अगर रैली में आते हैं, संक्रमित होते हैं, तो यह जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी जी की है। उन्होंने लगाम नहीं लगाई, उन्होंने रोक नहीं लगाई, हमने भीड़ बुलाई, आप संक्रमित हुए, आपको जय श्री राम। यही है ना अमरजीत सिंह जी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जान की जो जिंदगी की जो कीमत है वो भी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, हाँ या ना? नहीं नहीं, जान तो देखिए मोदी जी अगर पद पे हैं तो जिम्मेदारी संवैधानिक भी और नैतिक भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है अमरजीत सिंह जी, अमरजीत सिंह हमने रैली की है, अगर हमने रैली की है, हमने बाकायदा अगर वहाँ हमारे 50,000 60,000 हमारे कार्यकर्ता पहुंचे तो हमने प्रत्येक व्यक्ति के लिए वहाँ मास्क की सुविधा भी हमने रखी थी वहाँ पर। अब ये नहीं कह सकते थे बिना मास्क के घूम रहे हैं, और हमने प्रयास किया कि जितना भी हो सके हमने इन चीजों का पालन करना चाहिए और हमने पालन किया भी है। अमरजीत सिंह जी मुझे लगा शायद आप खुद ही मुस्कुरा देंगे इस बात को कहते कहते कि हमने जितनी रैली में भीड़ आई सबके लिए मास्क की व्यवस्था की। बिल्कुल मास्क की व्यवस्था की हमने, तस्वीरें ऊपर आपकी खिड़की पर ही चल रही है, तस्वीरें ऊपर वाली खिड़की पर चल रही है। अमरजीत सिंह जी ये बताइए, अगर कल को राहुल गांधी जी की रैली होती है, कल को राहुल गांधी जी की रैली होती है, कहा जाता है कि अमरजीत सिंह जी आप आइए इस रैली में, पूरे परिवार के साथ आइए, आप उस रैली में जाएंगे, हाँ या ना? मुझे बताइए, अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ये कहता है कि चुनाव में आज तक के समय में उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में आप चुनाव के लिए रैली कर सकते हैं, तो रैली की रोक वो गोपी कब लगाएंगे? वो तभी लगाएंगे अगर वहां कोई ऐसी चिंता का विषय होगा। बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ, सरकार रोक नहीं लगा रही है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार रोक नहीं लगा रही है, केंद्र सरकार रोक नहीं लगा रही है, चुनाव आयोग भी रोक नहीं लगा रहा है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये समझ लीजिए। लेकिन आप बताइए अगर कल राहुल गांधी की रैली होती है तो आप सब परिवार उस रैली में जाएंगे? परसों चुनाव आयोग की स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात हुई है, आपकी जानकारी होगा, और स्वास्थ्य सचिव ने कहा है अभी प्रदेश में ना उत्तराखंड में ना उत्तर प्रदेश में ना पंजाब में कोई चिंता की है। अच्छा। उसके बाद अभी चुनाव आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और विस्तृत रिपोर्ट जो है स्वास्थ्य मंत्रालय पहले हफ्ते में देगा जनवरी के। ठीक है। तो इसके लिए आप विपक्ष कहाँ जिम्मेदार है मुझे बताइए, अगर स्वास्थ्य मंत्रालय को चिंता होती तो वो जाके चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपता, वो चिंता जाहिर करता। ठीक है, उन्होंने कोई चिंता जाहिर नहीं करी है। बहुत ही कम बहसें ऐसी होती है जहाँ पर तमाम पार्टियां एक साथ मौजूद हों लेकिन फिर भी आपस में आरोप प्रत्यारोप ना लग रहे हो, ये वही बहस है। और जैसा कि आपने कहा कि एक रिपोर्ट भेजी गई है चुनाव आयोग को, ये वगैरह वगैरह, चुनाव आयोग कल और परसों तक लखनऊ में डेरा डाले हुए था, उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर लखनऊ में डेरा डाले था, और उसने समस्त पार्टियों से कहा था कि आप लिख कर दीजिए कि रैलियों पर रोक होनी चाहिए और चुनाव को टालने की क्या आवश्यकता है या नहीं, आप लिख कर देखिए। और जनता को ये सुनना चाहिए कि एक भी पार्टी ने कुछ भी नहीं दिया, किसी भी पार्टी ने यह तक नहीं कहा कि रैलियों पर रोक होनी चाहिए या चुनाव को टालने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि सबको सिर्फ चुनावों से मतलब। कविंदर जी, क्या विपक्ष अगर लिखकर देगा तो रैलियों पर रोक लग जाएगी? मुझे बताइए, चुनाव आयोग ने मांगा था कि आप बताइए, लिखकर दीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं फिलहाल उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ आपसे। क्या विपक्ष अगर लिखकर देगा, आप एकजुट हो जाइए, आप एकजुट हो जाइए, आप लिखकर दीजिए, आप अपनी रैलियों पर रोक लगाइए, नैतिक जिम्मेदारी उठाइए, जनता सब देख रही है। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अगर जहां पे कोरोना की चिंता बढ़ रही है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार तुरंत यहां पे रोक लगाए, हम उनके नियमों का पालन भी करेंगे, रैलियों पे तुरंत रोक भी लगाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, चलिए सीमा डोरा जी के पास चलते हैं। सीमा डोरा जी, सबसे पहले तो मुझको ये समझाने की कोशिश करिए कि नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या है, विस्तृत रूप से समझाइएगा थोड़ा, क्योंकि उत्तराखंड में आपने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या है? कि ऐसा है कि दिन में बहुत जरूरी काम लोगों के होते हैं तो वो उनको करने होते हैं, पर नाइट में अननेसेसरी लोग जो है ग्रुप बना के चलते हैं या पार्टीज करते हैं, मतलब तो पहला काम तो ये कि, और जो पार्टीज हैं उनको पे तो रोक लगाई जा सकती है, एटलीस्ट वहां से शुरुआत होती है, जबकि जो उत्तराखंड में ज्यादा केसेस नहीं है, 227 टोटल केसेस है जिसमें से 28 लोग ठीक भी हो चुके हैं, देहरादून में 25 केसेस लास्ट ईयर है, लेकिन इतना नहीं है कि अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो, फिर भी जो हमारे महानिदेशक हैं स्वास्थ्य के उनको पूरी तरीके से ये दे दिया गया है कि निर्देश दे दिए गए हैं कि कंट्रोल करिए और सारी तैयारियां सुनिश्चित करिए, तो तैयारियां तो सुनिश्चित है, ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है जो कुछ भी हमारी, जो अभी हमारे करीब
14,507 सैंपल लिए के उसकी जांच हुई थी, जिसमें से ये सब निकल के आया। तो हम लोगों ने बराबर जांच भी चल रही है, बराबर सारे इंतजाम हो चुके हैं, तो उसमें कोई जैसे प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल है या हमको कुछ ऐसा सीरियसनेस दिख रही है। लेकिन जहां तक आप रैलीज की बात करते हैं, ये लोग छोटी छोटी बात के लिए तो विरोध कर देते हैं, हमारी पार्टी का, सरकार का विरोध कर देते हैं। कोई छोटा सा भी, दो लोग भी अगर इकट्ठा होके किसी तरीके का विरोध करे ना, तो ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अगर इनको रैलियों के साथ इतनी प्रॉब्लम है तो ये क्यों नहीं कहते, ये शुरुआत कर ले, जो चीज ये लोग कहेंगे तो शुरू हो जाएगा ना, फिर चुनाव आयोग को बात सुननी पड़ेगी। चुनाव आयोग कोई हमारा तो नहीं है ना, लेकिन अगर ये कहते हैं कि ये जिम्मेदार पार्टी है के है, मेरी बहन, तो फिर मेरी आप लोग शुरुआत कर लीजिए, हो जाएगा ना। आप चुनाव रोकने की बात करें तो भी हो जाएगा, सब कुछ हमारे बस में तो है नहीं। अभी अगर हम कहें चुनाव स्थगित कर दे तो ये राजी नहीं होंगे, बिल्कुल भी। मैं आपको बता रही हूँ, एक आप कल रैली है, आप कर दीजिए प्रधानमंत्री की रैली को। अगर मोदी जी की जब रैली हुई थी तब ओमिक्रॉन बहुत बिल्कुल भी कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन तभी इन लोगों ने कहा था क्यों रैली करा रहे हैं। एक एक रिमार्क हो जाएगा, उसके बाद बहस को खोलेंगे, उसके बाद आपस में बहस कर लीजिएगा, लेकिन एक एक रिमार्क हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड अमरजीत सिंह जी, एक सेकंड सीमा डोरा जी, आपने एक बात कही जब आपसे पूछा गया कि रात में जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसका मतलब क्या है, तो आपने कहा कि दिन में जरूरी काम होते हैं, रात में अननेसेसरी वर्क्स होते हैं। ठीक है, शादियों में जो भीड़ आ सकती है, शादियों में जो लोग आ सकते हैं, उसको आपने लिमिट किया है, मतलब शादियों को आप अननेसेसरी मानती हैं, दिन में जो नेताओं की रैली है उसको आप बहुत नेसेसरी मानती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आपने कहा कि केसेस बहुत कम हैं, केसेस बहुत कम हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी कम हैं, कंट्रोल किए जा सकते हैं। जब पश्चिम बंगाल में चुनावों के लिए भारी भरकम भीड़ दिखाई दे रही थी तब भी तमाम नेता कह रहे थे कि केसेस कम है, केसेस कम है, केसेस कम है, और उसके बाद वो तस्वीरें हमने क्या न्यूयॉर्क के अखबारों में तक छपी थी कि किस तरीके से देश का क्या हाल था। तो केसेस कम है, केसेस कम है, केसेस कम है, और रैलियां चरम पर हैं। तो नेसेसरी और अननेसेसरी कामों को आपने बड़े अच्छे से डिफाइन किया, ये जनता को समझ लेना चाहिए कि नेता कितना ज्यादा नेसेसरी वर्क करते हैं, और आप शादी अगर खुद की भी कर रहे हैं तो वो कितना अननेसेसरी है। चलिए ठीक है, अब संगीता शर्मा जी के पास आऊंगा। संगीता शर्मा जी, ये जो भीषण रैलियों वाली जो जमात है, जो भीड़ इकट्ठा करने वाली जो जमात है, 2020 में तबलीगी जमात को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, ढूंढ ढूंढ कर ढूंढा गया, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन आज आप किसी भी नेता पर, मजाल है किसी की कोई मुकदमा हो जाए कि आप लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जनता तो मूर्ख है ही जो जा रही है इस रैलियों में, क्यों जा रही है यह भी एक विषय है, जांच का विषय है, इसके लिए तो शोध करना होगा कि खुद की जान की कीमत ना लगाकर नेताओं की रैलियों में जय जयकारे लगाने जा रही है जनता, ये तो शोध का विषय है। लेकिन यह बताइए संगीता शर्मा जी कि आज क्या कहीं भी किसी भी जगह कोई आवाज उठ सकती है? आप अपने आप को विकल्प की राजनीति देने वाला पुरोधा बताते हैं, क्या आपकी तरफ से भी आवाज उठ सकती है? आप भी इन्हीं की जमात में अभी तक जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, लगे हुए हैं। देखिए, ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सबको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि जब उत्तराखंड में बहुत केस बढ़ जाएंगे तब हम इस पे लगाम लगाएंगे, और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर के सोचना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो हमने पिछले कोरोना काल में बहुत से प्रियजनों को खो दिया है, और ये स्थिति दोबारा सामने ना आए तो इसके लिए मिलकर के सोचना भी पड़ेगा और बात भी करनी पड़ेगी। कल मोदी जी की रैली है, अगर कल मोदी जी की इतनी बड़ी रैली है और वो बहुत बड़ा मन बना करके उसको स्थगित करते और एक संदेश देते, तो कहीं ना कहीं वो विपक्ष के लिए और पक्ष के लिए दोनों के लिए एक संदेश होता कि जो हमारी केंद्र सरकार है और जो हमारे मुखिया है प्रधानमंत्री जी, वो चाहते हैं कि सबसे बड़ा कोरोना है पहले लोगों की जान प्यारी है, ना कि राजनीति। जब जान रहेगी तो राजनीति तो हम बाद में भी कर लेंगे। और रही नाइट कर्फ्यू की बात, तो देखिए उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि रात को यहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे, 3 जिले ही मैदानी है, 10 जिले तो उत्तराखंड में पहाड़ी ऐसे आते हैं जहाँ लोग रात को ठंड का मौसम या 8 बजे के बाद तो वैसे भी बाहर नहीं निकलते हैं, रात को जानवरों के सिवा कोई बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। तो नाइट कर्फ्यू लगा करके ये दिखाना कि सरकार एक काम कर रही है, तो ये कहीं का उचित कदम एक नहीं है, मैं इसे बहुत उचित कदम नहीं मानती। मैदानी जिलों के लिए बिल्कुल सही है, हरिद्वार के लिए, देहरादून के लिए, उधम सिंह नगर के लिए ये सही हो सकता है, लेकिन बाकी जिलों के लिए इसका कोई फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य
विभाग को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री को सोचना पड़ेगा और जो पिछली बार हमने इतना कुछ खोया है वो स्थिति हमारे सामने दोबारा ना आए, इसके लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है संगीता शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल साहब बहुत शिकायत करते हैं, दिल्ली में भी जब दूसरी लहर थी, जब केसेस बढ़ रहे थे और ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी, रोज शिकायत करते थे, रोज सामने आते थे टीवी के, अब सामने नहीं आ रहे। उत्तराखंड में चुनावी मौसम में तो आ रहे हैं, पारा बढ़ाने तो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल साहब ने भी आवाज नहीं उठाई है। देखिए अब जैसा माहौल इस समय बन रहा है और ओमिक्रोन के जिस तरह से केसेस बन रहे हैं तो जरूर आवाज भी उठेगी और हम चाहेंगे भी कि भाई जो ये चल रहा है सबसे पहले लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है और जो भी हमारी सरकार इसके लिए उचित कदम उठाएगी आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी और उन नियमों का कड़ाई से पालन करेगी। क्योंकि ऐसा है अमरजीत सिंह जी और संगीता शर्मा जी, अमरजीत सिंह जी हालांकि नाराज हो गए कि मुझसे क्यों सवाल कर लिया, पहला सवाल इसलिए कर लिया क्योंकि विपक्ष की एक बहुत दमदार भूमिका होती है, अगर तो आप लोग तो आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर जो सत्ता में है उनका तो ठीक है, उनसे तो सवाल होंगे ही होंगे, लेकिन आप लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी है, मतलब आपके पास फिर नैतिक अधिकार कहां से आएगा कि आप इनको रोक सकें या टोक सकें। आप आज बैठे हुए अमरजीत सिंह जी, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर सकते कि बीजेपी की नेता सीमा डोरा जी से आप सवाल कर सकें कि आपकी रैलियों में इतनी भारी भीड़ आ कैसे रही है। आज आप हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि आप भी इन्हीं के साथ लगे हुए हैं, आप भी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं, आप भी अंदर ही अंदर खुश हैं। 16 दिसंबर की रैली और आज कल की होने वाली 30 दिसंबर की रैली में बहुत अंतर है। इससे पहले कोई सरकार ने कुछ चेताया नहीं था कि यहाँ ओमिक्रॉन आने वाला है तो खतरा बहुत बढ़ने वाला है, खतरा अब बढ़ा है। आप आज की बात कर रहे हैं 16 दिसंबर की तुलना करते हुए और अभी देखिए 5 जनवरी की मोदी जी की बैठक है, रैली है पंजाब में। सवाल ये है कि मोदी जी चुनाव जीवी प्राणी है, जैसे लोगों को कहते थे ना आंदोलन जीवी, ये चुनाव जीवी है, इनको अपनी बात रखने के लिए प्रेस नहीं चाहिए, मोदी जी को अपनी बात रखने के लिए रैली चाहिए, केवल मन की बात करने के लिए रैली चाहिए। आपको रैली नहीं चाहिए अमरजीत सिंह जी, आपको रैली नहीं चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ केंद्र सरकार आज नियम लागू करे, हम उन नियमों पर चलेंगे। अरे तो केंद्र सरकार को देखकर आप राजनीति थोड़ी ना कर रहे हैं, आप नरेंद्र राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी को देखकर राजनीति करते हैं। आपकी कोई खुद की कोई इच्छा शक्ति है ही नहीं, खुद की मतलब कोई वैल्यू नहीं आपकी। केंद्र सरकार अगर गाइडलाइंस बनाती है तो पालन कर लेंगे, अगर नहीं बनाती तो हम नहीं पढ़ने वाले भाई। आप चाहते हैं मोदी जी आए कल यहाँ घोषणा करके चले जाएं, लाखों की भीड़ इकट्ठी कर दें, उसके बाद विपक्ष जो है मूक दर्शक बनके बैठा रहे। अरे मूक दर्शक बनके क्यों भाई, तमाम तरीके होते हैं। आप तब नैतिक पूरे नैतिक अधिकार के साथ, आप जो आज शांत बैठे हैं, आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, अगर आप रैली रोक कर बैठे होते तो आप ताल ठोक कर इनसे सवाल कर रहे होते, आप ताल ठोक कर इनसे पूछ रहे होते कि रैलियों में भीड़ क्या कर रही है, ये हमारे लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। कविंदर जी आप 30 दिसंबर की रैली की तुलना कर रहे हैं जो 16 दिसंबर को हो चुकी है, तब तक ना कोरोना के इतने मामले थे ना ओमिक्रॉन के इतने मामले थे। आप आने वाले समय में आने वाली जितनी भी आपकी संभावित रैलियां हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ सरकार नियम लागू करे ना, हम तो नियमों का पालन करेंगे। मतलब मैं वही आपसे कह रहा हूँ अमरजीत सिंह जी, अगर आप नियम लागू नहीं करेंगे, बीजेपी नियम लागू नहीं करेगी तो आप रैलियां करेंगे। आपके पास कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई नैतिक बुद्धिमत्ता नहीं है, कोई नैतिक आपके पास ख्याल नहीं है। आप क्या कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि बीजेपी के इशारों पर काम करेगी? अगर 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 कोरोना के मामले बढ़ते हैं इसकी चेतावनी कौन देगा? स्वास्थ्य मंत्रालय देगा, केंद्र का देगा, राज्य का देगा, उसके बाद आम जनता को चिंता होती है हमें क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल मैंने आपको बताया अभी स्वास्थ्य सचिव की जो रिपोर्ट गई है परसों की, उसके हिसाब से भी अभी चिंताजनक स्थिति नहीं है। कैसे होती है, एक नेता कैसे टटोलता है कि चिंताजनक स्थिति है, कैसे? मैं फिर आपसे कह रहा हूं केसेस तो बढ़ रहे हैं ना, ग्राफ तो बढ़ रहा है ना, जब दूसरी वेव आई थी तब भी ग्राफ बढ़ ही रहा था ना, तो इसकी चिंता किसको जाहिर करनी चाहिए? विपक्ष तो जाहिर कर ही रहा है क्या? नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, अमरजीत सिंह जी आप धन्य है महाराज, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि केसेस बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं इसकी चिंता किसको करनी चाहिए? सरकार को करनी चाहिए। सरकार क्यों नहीं गाइडलाइंस बना रही है? कांग्रेस कुछ है नहीं क्या?
अब कांग्रेस की रैली में अगर लोग आएंगे तो उसको भी डंडा लेके क्या सरकार के लोग बाहर भगाएंगे? फिलहाल कांग्रेस की कोई रैली होने नहीं जा रही है। आप सवाल विपक्ष से कर रहे हैं, ये सवाल आपको सीमा जी से पूछना चाहिए था, जहां आपने सीमा जी से सवाल नहीं कर रहे आप। वो ना रात का जवाब दे पा रही हैं, ना कल की होने वाली रैली का जवाब दे पा रही हैं। आप कांग्रेस की कोई संभावित रैली नहीं है उत्तराखंड में, आप ये बोल रहे हैं, आप प्रवक्ता बताए जा रहे हैं, ठीक है। अमरजीत सिंह जी उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की कोई संभावित रैली नहीं है। फिलहाल रैली नहीं है, फिलहाल रैली नहीं है। आप शब्दों कौन सी कौन सी ये अच्छा रैलियों में भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अमरजीत सिंह जी, ठीक है बताइए कैसी कैसी रैलियां होती हैं। नहीं, आप अगर रैली की बात कर रहे हैं जिसकी तुलना आप केंद्र से आने वाले नेताओं की या मोदी जी की आने वाली बात कर रहे हैं, फिलहाल हमारी राहुल मतलब उनकी रैलियों में जितनी भीड़ होती है उतनी रैली में आपकी भीड़ नहीं होगी। हमारी भीड़ तो उनसे ज्यादा होती है, लेकिन फिलहाल ज्यादा भीड़ होती है, यही तो सुनाना चाह रहा था जनता को, ज्यादा भीड़ होती है। और पीठ थपथपा के कह रहे हैं, ताल ठोक कर आप कह रहे हैं कि हमारी रैलियों में ज्यादा भीड़ होती है, शर्म आती है आपको? ये बताइए कांग्रेस को शर्म है कि आप कह रहे हैं ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में रोजाना केस मिल रहे हैं, और आप ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हमारी रैली में तो केंद्र सरकार की रैलियों से ज्यादा रैली आती है, केंद्र के नेता आते हैं तब भी। मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप विपक्ष पर सवाल खड़े करने के लिए आज आपका आयोजन है। आपने ऐसा मौका ही क्यों दिया मुझे, आपने ऐसा मौका ही क्यों दिया मुझे? मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आज आपसे सवाल का दिन है। मैं सत्ता के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, वो तो दुनिया देख रही है, वो तो पूरा एक एक बच्चा बच्चा देख रहा है कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं और ये बीजेपी की सरकारें क्या कर रही हैं, केंद्र सरकार क्या कर रही है, प्रदेश सरकार क्या कर रही है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से आज खुद को एक्सपोज कर रहा है वो कहानी सबके सामने होनी चाहिए। आप एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरीके से। हम कहीं एक्सपोज नहीं हो रहे, आप एक्सपोज अभी हुए हैं। सरकार नियम लागू करे, सरकार नियम लागू करे, हम नियमों का पालन करेंगे। हमने कब मना करा, हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, ठीक है। हमने पहले भी रैली करी, हमने आपको बताया प्रत्येक राहुल गांधी की बात आप मानते हैं, उत्तराखंड कांग्रेस राहुल गांधी की बात मानती है? बिल्कुल राहुल गांधी की बात हम मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? सोनिया गांधी जी अध्यक्ष हैं कार्यकारी, उनकी बात मानती है उत्तराखंड कांग्रेस? बिल्कुल माने क्यों नहीं माने? अगर ये लोग आदेश देते हैं कि रैली मत कीजिए, केसेस ज्यादा हो रहे हैं, रैली मत कीजिए, आप नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं होगा ये, ठीक है। तो मतलब राहुल गांधी जी आपको अभी तक आदेश नहीं दे रहे हैं, मतलब राहुल गांधी जी सोचते हैं कि रैलियां होनी चाहिए, मतलब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सोच कर बैठे हैं कि ठीक है इसी तरह से रैलियां होंगी, सब होगा। आप रविंदर जी, आप सवाल मोदी सरकार पर नहीं उठा रहे, आप चुनाव आयोग के पर सवाल नहीं उठा रहे, सब उठाऊंगा। जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहा है वैसे वैसे कार्यक्रम भी चढ़ रहा है। अमरजीत सिंह जी, पहले आपको थोड़ा एक्सपोज कर दिया जाए फिर आगे बढ़ा जाएगा। कर दिया आपने, एक्सपोज कर दिया, चलिए ठीक है, एक्सपोज कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ता हूँ जरा, ठीक है। पहले ही बहुत ईमानदारी अमरजीत सिंह जी, इस ईमानदारी को लाना बहुत मुश्किल होता है। आपने बड़ी ईमानदारी के साथ कहा कि एक्सपोज कर दिया, चलिए ठीक है। पहली दफा बहुत कम ऐसे प्रवक्ता मिलते हैं, कभी कभी होते हैं। एक लोहिया का दौर था जब जेपी नारायण साहब और लोहिया साहब जब दिल्ली में बसों से चला करते थे, वो ईमानदारी थी। आज एक पहली बार मैंने ऐसा नेता देखा है अमरजीत सिंह जी जो ईमानदारी से कह रहे हैं कि आपने हमें एक्सपोज कर दिया, बहुत, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। आप अपनी बात की जिद पर अड़े हैं तो आप अब तरोड़ बरोड़ के आप प्रश्न कर रहे हैं और मेरे उत्तर को घुमा रहे हैं, तो मैं इसलिए मैंने आपकी बात को कहा। चलिए ठीक, आप सवालों को घुमा जी, चलिए ठीक है, आपको थोड़ा आराम देता हूं। सीमा डोरा जी, सीमा डोरा जी, देखिए ऐसा है, कोई परिवार होता है, उत्तराखंड आपका परिवार है, पूरा प्रदेश आपका परिवार है कि नहीं है? जी, उसमें आपके भाई कांग्रेस के भी लोग हैं, आपके भाई बहन आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, लेकिन अभिभावक की जो भूमिका है, जो कमांडिंग पोजीशन है, वो अभी आपकी है। ओमिक्रॉन से अगर रैली में आया हुआ एक भी व्यक्ति संक्रमित होता है, एक भी का मतलब एक भी, आपकी रैली में लाखों लोग आ रहे हैं, 2 लाख आ रहे हैं, 5 लाख आ रहे हैं, 10 लाख आ रहे हैं, आपको मुबारक। लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित होता है या उसको कुछ भी होता है, उसकी स्थिति गंभीर होती है या किसी कारण उसका उसकी मौत हो जाती है, एक भी व्यक्ति की, और वो रैली में आया था, तो उसके लिए आप कहां माफी मांगेंगे, किस दर पे माफी मांगेंगे, आप मुझको बस इतना बताइए। ये देखिए, चुनाव आयोग ने तो बहुत कुछ कर दिया, उन्होंने 1 घंटे का समय बढ़ा दिया, ठीक है, बूथ में जो 1500 लोग देते थे मतदाता, वो चुनाव आयोग की तो महिमा अपरंपार है। अब इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुकदमेबाजी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चुनाव आयोग की तो सीमा जी महिमा अपरंपार है। जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे,
डॉक्टर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि ये क्या मजाक बना रखा है, रैलियां चरम पर थी और तब भी ड्रामा हो रहा था और आज भी ड्रामा हो रहा है। तो चुनाव आयोग की तो महिमा अपरंपार है, इनके लिए तो जितने शब्द कहे जाएं उतने कम। आप अपनी बात बताइए, आप अभिभावक की भूमिका में हैं, कमांडिंग पोजीशन पे हैं, आप ये मत करिए कि अमरजीत सिंह जी कह रहे हैं कि इनको बोलिए, आप कह रही कि उनको बोलिए। ये एसबीआई बैंक नहीं चल रहा है, ये एक बहस चल रही है कि आप 14 नंबर खिड़की पर जाइए, आप 12 नंबर खिड़की पर जाइए, ऐसा मत करिए। सीमा जी आप ये बताइए, अगर एक भी व्यक्ति की ओमिक्रॉन की वजह से मौत होती है, चाहे वो कांग्रेस की रैली में आया हुआ कांग्रेस कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी की भीड़ में आया हुआ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी भी रैली में, किसी भी राजनीतिक दल की रैली में अगर किसी कोई भी कार्यकर्ता गया है, अगर उसकी मौत होती है ओमिक्रॉन की वजह से, तो आप कहां माफी मांगेंगे, ये बताइए, किस दर पे जाके माफी मांगेंगे? बिल्कुल सोचने विषय है सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जब चुनाव का काम होता है या रैली उसकी बात होती है या चुनाव में किसी भी तरीके का डिसीजन लेने का काम होता है, तो वो सबको सबकी सहमति से होता है। अगर हम कहते हैं कि चुनाव एक्सटेंड करा दिए जाए, आगे बढ़ा दिए जाए, तो ये लोग, मैंने अभी पढ़ रही थी किसी पेपर में, तो उसमें ये लोग कह रहे थे कि बीजेपी हारने के डर से चुनाव को आगे कर देना चाहती है, तो ये सब चीजें तो कंबाइंड होती है ना। ये सब लोग बोले कि हमें आगे बढ़ाना है, बढ़ जाएगा, ये बोल दे रैली बंद करनी है, बढ़ दे और रैली बंद हो जाएगी। जब मोदी जी की रैली हुई थी 3 दिसंबर को, तब इन्होंने ये बात कही थी कि मोदी जी ने रैली करा दी उस समय ओमिक्रॉन आने के लिए, जबकि उस समय कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद 16 दिसंबर को इन्होंने करा दी राहुल गांधी की, वो भी इतनी जबरदस्त भीड़ के साथ कराई, तो तब इनको नहीं लग रहा था क्या ये मान लिया आपने राहुल गांधी की रैली में भीड़ थी? आदर्श देने मतलब अभी भी अमरजीत सिंह जी, अभी भी शर्म नहीं, अभी भी आप बोल रहे हैं कि भीड़ थी, मान लिया भीड़ थी। अरे ओमिक्रॉन की बात हो रही है, जनता आपको सुन रही है। एक बात बताइए मुझे, आपसे मैं सवाल करता हूँ, कोई भी रैली होती है, वो 3 दिसंबर की हो या 16 दिसंबर की हो, कोई भी रैली होने से पहले पूरे प्रदेश में सभी नेताओं से, अधिकारियों से परमिशन ली जाती है। अधिकारियों से वो डीएम भी होते हैं, प्रशासन भी होता है, और तमाम स्वास्थ्य मंत्रालय से सबसे परमिशन ली जाती है। परमिशन तब दी जाती है जब सब कुछ ठीक होता है, तब परमिशन दी जाती है। और हमने जो भी रैली करी वो परमिशन के साथ करी, हमने बगैर परमिशन के तो कोई रैली करी नहीं, हमने कोई कायदे कानून तो हमने तोड़े नहीं। आप फिर वही बात है कि सारी जवाब जो है विपक्ष से लेना चाहते हो आप। और यहाँ पे अगर सीमा जी कहती हैं कि 3 दिसंबर तक तो कुछ था ही नहीं, मोदी जी के समय में तो कुछ था ही नहीं, तो क्या 16 दिसंबर को सब कुछ हो गया था क्या? ठीक है, अब आपके आप ठीक है, ठीक है, आपने मुझे जो सवाल कर दिया, आपने मुझे जो सवाल कर दिया, आप ना कराते रैली, आप एक आदर्श स्थापित करते हैं तो उस पे सब चलता रहता, आपने तो उसको दुगना करके दिखाया ना। रैली को स्थगित कर दीजिए ना, एक मिसाल पेश कर दीजिए देश में, क्या दिक्कत है आपको? अमरजीत सिंह जी, किस नैतिक अधिकार के साथ आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं? पहली बात तो आप सवाल नहीं कर सकते, आप उसी खिड़की पर सवाल भी नहीं करेगा। अब एक बात, आप सवाल इसलिए नहीं कर सकते, आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, आप नैतिक अधिकार नहीं है। आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि आपने मान लिया राहुल गांधी की रैली में कितनी भीड़ थी, आपने यही कहा ना कि राहुल गांधी की रैली में कितनी भीड़ थी। मैं सीमा जी के पास वापस आ रहा हूँ, सीमा जी से मेरा सवाल जवाब है, लेकिन आपसे बात कर लेता हूँ जरा। अमरजीत सिंह जी, आपने कहा कि मैंने डीएम से परमिशन लेकर रैली होती है, आपने कहा कि जो क्षेत्र अधिकारी होता है उससे परमिशन लेकर रैली होती है। अगर आपको समझ है, आपको खुद की कोई समझ है, आपको जब पता है कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, आपकी पार्टी को पता है कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, अपने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। नहीं तो राजा तो ऐसे ऐसे रहे हैं, राजा तो ऐसे ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने लोगों को खुद मरवा दिया, तो आप क्या बातें कर रहे हैं? आप अपना ख्याल करिए। नहीं तो हम तो ख्याल कर रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं सरकार ऐसा नियम कानून लाए, आप बात ही नहीं समझ, आप बात घुमा रहे हैं बार बार। आप सरकार से कह रहे हैं कि ऐसा नियम कानून लाइए जिससे रैलियां रोकी जाएं, और खुद रैलियां करते रहेंगे सरपट सरपट, मतलब कुछ नैतिक नहीं आपके पास, नैतिकता बिल्कुल जीरो शून्य। हम क्यों करेंगे, क्यों नैतिकता यहाँ पर क्यों करेंगे, यही तो सवाल है, यही तो उत्तराखंड की जनता देख रही है कि अमरजीत सिंह जी जो कह रहे हैं कि हम क्यों करेंगे, हम क्यों करेंगे, यही तो सवाल है। उत्तराखंड की जनता आपको देख रही है, और अमरजीत सिंह आप बहुत एक्सपोज हो रहे हैं अपने आप को, बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं आप। उत्तराखंड की संपूर्ण जनता आपको देख रही है, आप कह रहे हैं कि हम क्यों करेंगे, हम क्यों करेंगे, हम क्यों करेंगे। उत्तराखंड के कार्यकर्ता, उत्तराखंड के कांग्रेस समर्थक, सब अमरजीत सिंह जी को देखिए और सोचिए कि अमरजीत सिंह जी क्या कह रहे हैं। अमरजीत सिंह जी कह रहे हैं कि हम क्यों करेंगे। एक बार भी आपने सीमा जी से ये नहीं पूछा कि कल होने वाली रैली को स्थगित क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों उसकी मिसाल नहीं पेश की जा रही, सारे सवाल विपक्ष से क्यों पूछे जा रहे हैं? आपको ये पूछना चाहिए क्या कल होने वाली रैली के बाद जो होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा,
मैं उनसे पूछ ही रहा हूं, उनसे वही सवाल ले लिया है कि अगर कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता की जान जाती है, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की एक भी कार्यकर्ता की अगर जान जाती है, तो मैं पूछ रहा हूं बार बार सीमा जी से, आप बीच में टोक रहे हैं और खुद को एक्सपोज कर रहे हैं बार बार। सीमा जी जवाब दे रही है, सीमा जी ये बता रही है कि वो कौन से दर पर जाकर माफी मांगेंगी अगर कांग्रेस की रैली का अगर एक भी व्यक्ति की अगर मौत होती है ओमिक्रॉन से, आम आदमी पार्टी की रैली में गए हुए एक भी व्यक्ति की अगर मौत होती है ओमिक्रॉन से, आपकी पार्टी की रैली में गए हुए अगर एक भी व्यक्ति की मौत होती है ओमिक्रॉन से, तो सीमा जी आप बताइए कि उत्तराखंड बीजेपी किस दर पर जाकर माफी मांगेगी? उत्तराखंड की जनता के साथ जो इतना बड़ा धोखा हो रहा है, उनको जो बेवकूफ मूर्ख बनाया जा रहा है, उसके लिए आप किस दर पर जाकर माफी मांगेगी? अगर उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का विस्फोट होता है, भगवान ना करे, लेकिन अगर कुछ भी होता है, तो आप किस दर पर जाकर माफी मांगेंगे, बताइएगा। देखिए, ये सोचने विषय तो है ही, इसमें कुछ दो राय नहीं है कि परेशानी तो होगी अगर ऐसा कैसे हो जाता है, लेकिन हमारी पूरी यही कोशिश है और हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय को भी ये सारे सचेत कर दिया कि इस तरीके का कोई केसेस होना, बाकायदा मास्क लगा के लोग आए और ये लोगों का मास्क लगा कर लोग आए मोदी जी के साथ। आप बोल रही है सीमा जी, आप जो जो बोलेंगी विजुअल चलाते रहिएगा स्क्रीन पर, सीमा जी जो बोलेंगी तस्वीरों के साथ उनको चलाएगी, बिल्कुल मास्क लगाकर, ठीक है, भी जाते हमारे रैली में, जनता वेरीफाई करती रहेगी तस्वीर और सीमा जी की आवाज, बस बोलिए सीमा जी। जी, और हमारी तरफ से पूरी तरीके से हमारी सरकार अलर्ट है और बाकी जो भी लोगों का प्यार है मोदी जी के प्रति, तो वो आते हैं, हम किसी को घसीट के तो घर से लाया नहीं जाता। देखिए, अगर वो टीवी पे, स्क्रीन पर लीजिए जरा, सुनिए मेरी बात, जो वन सेकंड सीमा जी कह रही हैं कि मोदी जी के प्यार में आते हैं, हम किसी को घसीट कर तो घर से लाते नहीं हैं, तो अगर जनता मरती है तो मरने दो, घसीट कर तो लाए नहीं। अगर कोई भी उस भीड़ में आया, रैली में आया व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित होता है तो होने दो, घसीट कर तो लाया गया नहीं। तो उत्तराखंड की जनता इसको भी जरा सुनिएगा, सीमा जी ने साफ कह दिया है कि किसी को घर से घसीट कर नहीं लाया गया है, खुद चलकर आए हो, कहिए सीमा जी। देखिए, मैंने ये बात बोलने से पहले ये बात कही कि हमारी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है लोगों को सुविधाएं देने के लिए और किस तरीके से उनके हमारी सरकार अलर्ट है, हम अलर्ट और घसीट कर नहीं लाया गया किसी को। और हाँ बिल्कुल, अब रैलीज में तो अपने प्यार से आते हैं ना मोदी जी से, आप मोदी जी अगर टीवी पे भी बोलते हैं तो मतलब आपका कहने का, देखिए अब मैं थोड़ा सा एक मतलब बताता हूं, उनका प्यार है उनके प्रति, बिल्कुल बिल्कुल प्यार है। भाव भंगिमा आपकी समझाता हूँ, भाव भंगिमा आपकी ये है कि वो लोग खुद आ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर वो लोग खुद आ रहे हैं, कोरोना वायरस का संक्रमण जो है फैल रहा है, लेकिन वो लोग तो खुद आ रहे हैं, वो लोग खुद आ रहे हैं, मतलब आप थोड़ी ना उनको बुला रहे हैं, वो तो खुद आ रहे हैं, तो बेवकूफ कौन है? बेवकूफ जनता है, आप यही कहना चाह रही हैं सीमा जी? ऐसा नहीं बोला मैंने, आप बोल रहे हैं, मैंने ये बात नहीं बोली, मैंने ये बोला मोदी जी के प्रति प्यार और उनको सुनने की चाह है लोगों को, जो लोग रैलीज में जाते हैं, लेकिन यस, लोगों को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हम पूरे प्रयत्न उस पे कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको ओमिक्रॉन को रोक सके और किस तरीके से लोगों को उनसे बचा सके। एक सजेशन दे सकता हूं मैं, हमारी सरकार अलर्ट है सीमा जी। सबसे पहले तो जिस तरीके से केसेस सर्ज कर रहे हैं, पिछली दफा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे तो मैं कोलकाता में था, कुछ दिन कोलकाता में रहा, फिर वापस आ गया क्योंकि संस्थान ने कहा कि केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, आप वापस आ जाएंगे। रैलियां वहां परस्पर चलती रहीं। आज मैं आपको बताता हूं कि यहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस का ग्राफ बढ़ रहा है। आपने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश मत करिए, रैलियों को टालिए, रैलियों को रोकिए, वन कट डिसीजन लीजिए। और आप जो कह रही हैं कि मोदी जी का जनता का प्यार है, कि मोदी जी को सुनने आ रहे हैं, तो इन फर्स्ट प्लेस कि मोदी जी या पुष्कर सिंह धामी जी या कोई भी उत्तराखंड बीजेपी का बड़ा नेता इतनी चीजों को तो समझता ही होगा कि ये अगर प्यार में आ रहे हैं तो इनके साथ विश्वासघात ना किया जाए। अगर ये ज्यादा संख्या में आएंगे, चीजों को कंट्रोल करना असंभव है। अगर आप ये कहेंगे कि कोविड गाइडलाइंस को लेकर हम रैलियां करवा लेंगे तो ये असंभव है। कहने सुनने के लिए अच्छा हो सकता है, प्रैक्टिकल इज जीरो, असंभव है ये। रैली कोई भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत नहीं कराई जा सकती, आप मत कहिए ये बात, मत कहिए। आप रैली को रोकने के लिए क्या कुछ करेंगे, सोचा है या नहीं सोचा है, या बस मछली की जो आंख है वही निशाना है, मतलब 2022 विधानसभा चुनाव को जीत कर आना है। सीमा जी, जी चुनाव को जिताना ये सब कुछ जनता के हाथ में होता है, जनता जो चाहेगी वही होगा,
ठीक है, जनता बहुत समझदार है, उसको सब समझ में आता है। बाकी पहले भी कोरोना से लोगों ने अपने आप को निकाला है और बहुत अच्छी तरह से उत्तराखंड इस तरीके से उभर के आया है कि किस तरीके से हमको बचाना है। प्रोटोकॉल को पालन करते हुए ही लोग काम करेंगे और यही हम आगे उनसे गुजारिश भी करते हैं कि इस चीज को ध्यान रखिए कि किस तरीके से स्प्रेड होगा और अपने आप को भी बचाइए। आपकी हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। और ठीक है, आपने कहा अपने आप को भी बचाइए, आप कहिए, ये टीवी जो है सब देख रहे हैं, आप कहिए कि उत्तराखंड की जनता घर से बाहर मत निकलिएगा, दिन में बाहर मत निकलिएगा, आप कहिए। देखिए वो टीवी पर कहिए, आपने कहा कि अपने आप को बचाना होगा, आपने कहा अपने आप को बचाना होगा, आप टीवी पर कहिए कि उत्तराखंड की जनता घर से बाहर ना निकले। बताइए जब अननेसेसरी थिंग्स डोंट कम आउट ऑफ योर हाउस, से ऑन टीवी, से ऑन लाइव टीवी, फॉर अननेसेसरी थिंग्स डोंट कम आउट ऑफ योर होम, से ऑन टीवी, से ऑन टीवी फर्स्ट। बाहर निकले बगैर तो कुछ काम होगा नहीं, हर काम के लिए बाहर निकलेंगे। अननेसेसरी फॉर अननेसेसरी पड़ेगा, हमें हमें अपने ध्यान रखना पड़ेगा अपना कि किस तरीके से हम मास्क लगा के चले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर ले। और मैंने कहा फॉर अननेसेसरी थिंग्स, आपने सुना नहीं शायद सीमा जी, क्योंकि आपने ये बात कही, आपने कही कि जनता को अवेयर होना होगा, सावधानी बरतनी होगी, अपना ख्याल रखना होगा और कोविड का जो समय है उस बीच अपने आप को स्वस्थ रखने की तमाम कोशिशें करनी होगी। तो मैंने आपसे कहा कि आप अभी, और ये सबसे बढ़िया मौका है, सबसे अच्छी घड़ी है, अभी आप टीवी पर कहिए और मैं बिल्कुल अलग से इसकी क्लिप काट के लगवाऊंगा कि बीजेपी के नेताओं के अंदर इतनी नैतिकता है कि वो टीवी पर कह रहे हैं इस बात को। आप टीवी पर कहिए कि आप बिल्कुल घर से मत बाहर आइएगा अननेसेसरी थिंग्स के लिए, उसमें सब है, चाहे कांग्रेस की रैली हो, चाहे आम आदमी पार्टी की रैली हो, चाहे बीजेपी की रैली हो, यह अननेसेसरी है कि किसी की लाखों की भीड़ में आप बीच में जाकर जय जयकार करें उनकी, अननेसेसरी है ये, आपकी जान से ज्यादा कीमती नहीं है, आप मत जाइए, आप कहिए। सीमा जी देखिए नेसेसिटी ये अपने ऊपर निर्भर करती है, आप कह दीजिए कि ये नेसेसिटी है, चुनाव रैली में जाना नेसेसिटी है, लोगों को इमरजेंसी सर्विस है, ये पहला ही रैली इमरजेंसी सर्विस है, दो चीजें कह सकती है सीमा जी आप, या तो आप उत्तराखंड की जनता से एक बात कहेंगी कि आप घर से बाहर मत आइए, या फिर आप दूसरी बात कहेंगे कि इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर है, जो इलेक्शन रैलीज होती हैं ये इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर आता है, तो आप जाइए, बोलिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी इमरजेंसी के तहत है, लेकिन मैं ये जरूर देखिए, फिर मुझे बार बार बोलने पे मजबूर करते हैं आप लोग, या तो एक चीज या एक चीज, या तो व्हाइट या फिर ब्लैक, ग्रे नहीं हो सकता, या तो रैली में आना है या नहीं आना है, आप बोलिए रैली में आना है या नहीं आना है। रैली में आना किसी भी पार्टी के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, ये उनकी मर्जी है और अपने प्रोटोकॉल के तहत वो बाहर निकलेंगे, ठीक है, मतलब आ सकते हैं, मतलब रैली करने आ सकते हैं, पूरी तरीके से तैयार है, अगर कुछ हो जाता है तो यस सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरीके से हमको उनकी उनको हॉस्पिटल से लेके सारी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करती है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी और हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, नैतिक जिम्मेदारी है, बहुत खूबसूरती के साथ सीमा जी ने जवाब दिया, बहुत खूबसूरती के साथ सीमा जी ने कहा कि कोई कंपल्शन नहीं है, जरूरी नहीं आना है, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। फिर शादियों में कंपल्शन क्यों लगाया आपने? नहीं, ये बोला गया है, ये नहीं अभी शादियों में कहीं मनाई नहीं है, लेकिन ये बोला गया कि रात को 11 बजे के बाद अननेसेसरी। क्यों लगा रही हैं आप कंपल्शन? ठीक है, क्यों लगा रही हैं आप कंपल्शन? और सुबह रैलियों में व्हेन देयर इज नो कंपल्शन, जब वहां रैलियों में कोई कंपल्शन नहीं है, फिर आप रात में क्यों कंपल्शन लगा रही हैं? क्यों कंपल्शन लगा रही हैं? अभी 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 नाइट से शुरुआत हुई है, शुरुआत दिन से करिए, रैलियों से रोक करिए, रैलियों से रोक करिए, रैलियों से सबसे ज्यादा खतरा है। आप रात में कंपल्शन लगाएंगे और दिन में नहीं लगाएंगे? अगर ये सारी पार्टीज एग्री होके कह दे कि रैलीज बंद कर दो तो सरकार को करनी पड़ेगी, कह दे ये सबके सब, वाह, क्योंकि ये लोग तो हर जगह तो क्रिटिसाइज कर देते हैं। अगर ये चार लोग ऑपोजिशन में खड़े हो गए ना एक काम के लिए, तो ये सारा क्रेडिट कहते हैं उत्तराखंड की जनता से एक बात कहना चाहूंगा। देखिए आप तीनों लोग कुछ भी पर्सनल नहीं है, सबसे पहले तो इस बात को समझिएगा, देयर इज नथिंग पर्सनल बिटवीन यू एंड मी। संगीता शर्मा जी आप आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रही हैं, सीमा डेरा जी आप बीजेपी का पक्ष रख रही हैं, अमरजीत सिंह जी आप पक्ष रख रहे हैं कांग्रेस का। पूरी उत्तराखंड की जनता देखे इस चीज को कि विपक्ष में बैठे अमरजीत सिंह जी कह रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं रोक लगा रही है, सरकार क्यों नहीं रोक लगा रही है, सरकार क्यों नहीं रोक लगा रही है। उनसे जब मैंने कहा कि राहुल गांधी की बात मानते हैं कि नहीं, तो कह रहे हैं हाँ, तो मैंने कहा राहुल गांधी क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं, ये तो पार्टी का भी मसला है, लेकिन नहीं, सरकार रोक लगाएगी तब हम मानेंगे, वरना बिल्कुल नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता की जान अब सरकार की मुट्ठी में है,
अमरजीत सिंह जी, सीमा जी कह रही है हम नहीं, ये तो विपक्ष वाले भैया कहो ना, आप कहो। अब आप दोनों सामने हैं, आप कह रहे हैं कि आप कहो, आप कह रहे हैं कि आप कहो। अब ये पूरा जो आज का मंच है डिबेट का, बहस का, ये बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दफ्तर। आप मुझसे कह रहे हैं कि 12 नंबर वाले उस पर जाओ बूथ पर, आप मुझसे कह रही हैं 14 वाले पर जाओ। आप दोनों सामने हैं, दोनों एक दूसरे से बात रखिए कि भैया रोक कौन लगाएगा। अमरजीत सिंह जी, रोक कौन लगाएगा? बिल्कुल पहला शब्द मैं आप बोलूं तो क्या बात को मोड़ तोड़ रहे हो। ठीक है, बिल्कुल रैलियों पे रोक लगनी चाहिए। हाँ, आज से ही लगनी चाहिए। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी यह है कि उसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों को सर्वदलीय बैठक बुलाए, सर्वदलीय बैठक बुला करके निर्णय करे। हम, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, हम पूरे प्रदेश में जितनी भी होने वाली रैलियां हैं सब पर रोक लगवाने की बात करता हूं। अपनी पार्टी की तरफ से भी ये हमारा यही निर्णय होगा कि अगर सरकार ऐसा कुछ पूछती है तो हम सरकार से यही कहेंगे पूरी तरह से रैलियों पे रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल, ये हुई ना बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है, वो बुलाए, बैठक बुलाए, ठीक है, सरकार करे निर्णय, हम साथ खड़े हैं आपके। ठीक है, बिल्कुल, देखिए एकदम क्लिक्स पे होते हैं निर्णय। ठीक है, अब संगीता शर्मा जी, पूरी बात आप समझ रही हैं, सुन रही हैं, आपका क्या टेक है? अमरजीत सिंह ने साफ कह दिया कि हमको बुलाइए, सर्वदलीय बैठक रखिए, हम तो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कि रोक लगनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। आप अपना स्टैंड रखिए जरा। या तो पीसीआर आवाज रोक रहा है या सीमा जी आपकी उत्तराखंड में बीजेपी आवाज रोक रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। म्यूट है आपका मैम। चलिए, म्यूट है आपका, शायद आप म्यूट हटा लीजिए, म्यूट हटा लीजिए उसको। इतना लेट नहीं होना है, आप अभी नई पार्टी हैं। चलिए ठीक है, तो सीमा डोरा जी, अमरजीत सिंह जी ने खैर बहुत देर से लेकिन इस बात को रखा है कि अगर सरकार बुलाती है, सर्वदलीय बैठक होती है, तो हमारा पक्ष पहले ही से सुन लीजिए कि ये है कि हम रैलियों के खिलाफ हैं। हालांकि ये भी बातचीत का विषय है, बहस का विषय है कि आप खुद से क्यों नहीं कोई निर्णय ले लेते, अपनी तरफ से ही ले लीजिए, लेकिन फिर उनको लगता है कि हमको पीछे आका जाने लगेगा, हम हार गए हैं ऐसा माना जाने लगेगा। तो आप उनको बुलाइए, बैठिए, बातचीत करिए ऑन टेबल, जनता से बढ़कर थोड़ी ना कुछ है जी, है ना सीमा जी? नहीं जी, मैं जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं भी, और हमारी भी नेतृत्व ये बस इस बात पे विचार करेगा बिल्कुल डेफिनेटली, और कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज गलत है, रैलियां गलत है ना? देखिए अभी तक इतना खतरा नहीं था, लेकिन जैसे ग्रेजुअली खतरा बढ़ रहा है। नहीं सीमा जी, देखिए अब बहुत एक गंभीर लेवल पे पहुंच चुकी है बहस, खतरा है। देखिए पार्टी को लेटर लिखने की भी जरूरत नहीं होती, वो खुद भी बहुत अलर्ट होते हैं और चारों तरफ से उनको पता लगता ही है। सीमा जी सुनिए, लेकिन मुझे बोलने पर मजबूर करते हैं, फिर कहते हैं कि आप बोलने नहीं देते मुझे बोलने पर। आपने कहा कि पार्टी अलर्ट है, कैसे पार्टी अलर्ट है? पार्टी अलर्ट है पोस्टर बैनर लगाने में, पार्टी अलर्ट है नगर अध्यक्ष, या फिर मैं कहूं कि और भी आपके होते हैं नगर महामंत्री होते हैं, इनसे कहने में कि इस जगह कार्यक्रम लगा हुआ है, इस जगह भीड़ आएगी, इस जगह कार्यक्रम को व्यवस्थित करिए। पार्टी इस चीज को लेकर अलर्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस चीज को नहीं करना है। इस चीज को लेकर कैसे अलर्ट होंगे, वरना ओमिक्रॉन अलर्ट कर देगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही कह रही हूँ कि अभी ऐसा डेंजर जोन में नहीं था उत्तराखंड, लेकिन जैसे बढ़ रहे केसेस तो हमें देखना पड़ेगा, पूरे देश के लिए देखना पड़ेगा, खाली उत्तराखंड के लिए है ना। तो जैसे मोदी जी ने भी कहा कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन शुरू कर दी, तो वो ऐसा तो नहीं कि वो आंख बंद करके बैठे हैं, वो भी सब कुछ देख रहे हैं। तो जहां ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए रैली, तो वो खुद ही कर देंगे रैली बंद। और यह सबको हमसे पूछा जाएगा तो हम लोग भी बोलेंगे जी। बिल्कुल ठीक है, चलिए अमरजीत सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे, अब कुछ बचा है? मैंने पहले भी कहा है, हाँ। मोदी जी कतई रैलियां बंद करना नहीं चाहेंगे, राहुल गांधी चाहते हैं। ठीक है, आप फिर मुझसे बुलवाते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं?
मैं तो कह दिया, मैंने आपसे अभी कह दिया, मैंने मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी चाहते हैं, राहुल गांधी की बात आप मानते हैं ना, सुनते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे हम रैली, राहुल गांधी को आप लेटर लिखेंगे? अब इस कार्यक्रम के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा परिवर्तन आया है हम सबके माइंडसेट में। आप अमरजीत सिंह जी कहिए, राहुल गांधी को पत्र लिखेंगे कि राहुल गांधी जी आज मैं कार्यक्रम में बैठा था, मुझे ऐसा फील हो रहा है, लग रहा है कि हमको रैलियों पर पाबंदी की आवश्यकता है। आप लिखिए, निश्चित रूप से आप लिखेंगे। देखिए ये होता है, ये होते हैं ईमानदारी। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अपने शीर्ष से जरूर इस बात को रखेंगे, अवगत कराएंगे कि हम ही चिंतित नहीं है, तमाम मीडिया भी इस बात से चिंतित है। जिस प्रकार से खुलेआम रैलियां हो रही है और लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, आने वाले समय में हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये जरूर है कि इस प्रकार से कोई संक्रमण ना फैले। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो हरिद्वार में क्या हुआ था इससे पहले, देखिए आप रैली रोके ना रोके, आप रैली रोके ना रोके, आप सरकार पर आरोप लगाएंगे, सरकार आप पर आरोप लगाएगा, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी होती है उसको ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। हमारे पीसीआर महोदय ने कह दिया है कि टाइम हो गया है, इसको रोक दीजिए कार्यक्रम को, हम यहीं इस कार्यक्रम को रोकेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ईमानदारी के साथ जवाब देने के लिए। तो आज का कार्यक्रम इसी मुद्दे पर था कि एक तरफ रैली होगी और एक तरफ बातें होंगी, बातें होंगी, रात में नाइट कर्फ्यू होगा। रात में नाइट कर्फ्यू का क्या काम जब दिन में रैली हो जाए, बहुत आम। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।